सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़हत को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बहुत ही मज़े की आम की खीर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास मैंगो का पल्प है, एक बड़े साइज का मैंगो था जिसका मैंने इस तरह प्योरी तैयार कर ली है। 1/4 कप मैंने लिए चावल, इन्हें मैंने अच्छी तरह से सोक किया हुआ है 2 से 2 घंटे पहले, तो मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया। एक मैंगो है जिसके कुछ हम क्यूब्स यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। इलायची पाउडर यूज़ करेंगे 1/2 छोटी चम्मच। 1/2 कप चीनी का यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ते हैं मेरे पास और 6 से 7 बादाम हैं जिन्हें मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, और पिस्ते को भी। ये चीज़ें हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है, 1 लीटर दूध है ये मेरे पास, इसे मैंने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया हुआ है। जो ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया तो यहाँ हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। खीर को हम उतनी देर तक पकाएंगे जब ये चावल अच्छे से दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएं और एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाइए, तो उतनी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए, इधर खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, और 20 मिनट में ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो यहाँ हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिए। चीनी डाल के हम मुसलसल इसे हलाते जाएंगे। देखिए, चीनी डाल के मैंने इसे मुसलसल चम्मच से इस तरह चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिए। चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो भी डिसॉल्व हो चुका है इसके अंदर ही, और ये मिक्सचर हमारा रेडी है जिसमें हमें मैंगो का पल्प ऐड करना है। तो फ्लेम को हम बंद करते हुए इसे ठंडा होने देते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया दूध और चावलों का, तो इसमें मैं ये मेरे पास मैंगो प्यूरी थी वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया, तो हम इसे डाल दिए। लीजिए, मैंगो प्यूरी हमारी रेडी टू सर्व है। इसे ठंडा करके सर्व कीजिए, ये बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।